नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईसीआईसीआई बैंक के Q1 रिजल्ट्स का जो अभी आए हैं, और साथ ही हम इसका चार्ट के माध्यम से भी स्टॉक का एनालिसिस करेंगे। तो चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसे जरूर ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ ही दोस्तों, मार्केट की इन्वेस्टमेंट रिस्क के अधीन होती है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। हमारे वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के लिए है, हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। तो आइए दोस्तों, अब हम इनकी रिजल्ट्स की चर्चा शुरू करते हैं। तो इनकी मीटिंग ये देखिए आज चली है, 4:15 बजे खत्म हुई है। तो आइए अब हम इनके रिजल्ट्स को देखते हैं। तो अगर मैं दोस्तों टोटल इनकम की बात करूं, तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में देखिए हमें मामूली सा इजाफा देखने को मिला है, 23,000 करोड़ से बढ़ के 24,000 करोड़, 369 करोड़ हो गई है। और अगर हमें पिछले साल के इस क्वार्टर से कंपेयर करूं तो थोड़ा सा हमें गिरावट देखने को मिली है इनके रिजल्ट्स में। आइए अब हम इनके प्रॉफिट्स को देख लेते हैं। तो प्रॉफिट्स में भी कोई खास ऐसा चेंज हमें देखने को नहीं मिला है, लेकिन अगर हम पिछले साल के इस क्वार्टर से देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में 2599 करोड़ से बढ़कर 4600 करोड़ हो गई है। तो यहाँ पे इसमें बहुत ही हमें अच्छा इजाफा देखने को मिला है, तो ये एक अच्छी खबर रही है। एनपीएस को आइए हम देख लेते हैं, इसमें 1.23 था पिछली बार और अब की बार इनका 1.16% हो गया है, तो थोड़ा सा इनके एनपीएस कम हुए हैं। तो ओवरऑल दोस्तों इनके रिजल्ट्स मुझे पसंद आ रहे हैं, एनालिस्ट को कितने पसंद आएंगे वो हमें मंडे को पता चलेगा। बट अगर शेयर में कोई भी ड्रॉप मिलता है तो वो आप उसको बाय ऑन डिप्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं। अगर मैं कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स की बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में थोड़ी सी गिरावट हुई है, ईयर ऑन ईयर में थोड़ा सा इजाफा हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो कंसोलिडेटेड में लेकिन ये चीज थोड़ी सी कम हुई है, और लेकिन अगर आप सब कुछ टैक्स सब मिला के देखेंगे तो इनकी जो नेट प्रॉफिट है उसमें 3100 करोड़ से बढ़ के 4700 करोड़ हो गई है। तो रिजल्ट्स दोस्तों ठीक ठाक है, एवरेज से मैं कहूंगा थोड़े से इनके रिजल्ट्स बेटर है, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट होना चाहिए। बट क्योंकि पिछले कुछ दिनों में स्टॉक में ऑलरेडी थोड़ा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखा चुका है, तो आप मैं शेयर प्राइस को लेकर कुछ कह नहीं सकता हूं, क्योंकि लेकिन ये एकदम ब्रेकआउट लेवल के पास खड़ा है। तो अगर ये स्टॉक आपको 680 के ऊपर मिले तो आप इसे जरूर बाई करें, और अगर डिप हो तो फिर 640 के आसपास का आप इसे बाई करिएगा। तो ये थी दोस्तों मेरी एनालिसिस इस स्टॉक को लेके। स्टॉक एकदम अपने ब्रेकआउट लेवल पे खड़ा है, तो हो सकता है ये आपको अगर इसमें पॉजिटिव सेंटीमेंट रहे मंडे को तो 4-5% की राइज भी दिखा सकता है। तो ये थी मेरी एनालिसिस के रिजल्ट को लेके। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, उससे हमारा मोटिवेशन बनेगा। साथ ही आप हमें टेलीग्राम ट्विटर फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।